इमाम सजाद का फरमान है, जब मैं किसी घर से गाने की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल याद आ जाते हैं। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हबरदार बद किरदार के सोहबत में ना रहना, क्योंकि वो तुमको एक लकमा या इससे कम पर बेच दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हबरदार गुनाहों पर खुश न होना, क्योंकि गुनाहों पर खुश होना गुनाह करने से ज़्यादा अजीब है। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है शख्स पर जब बीमारों के खौफ से खानों से परहेज करता है मगर खुदा की सजाओं के खौफ से गुनाहों से परहेज नहीं करता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बराई के छोड़ने में कोई तामल देर न करो, चाहे इससे जितना भी आशना आदि हो चुके हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो तुम्हारे घर से इससे कीमती चीज़ें लेकर जाएंगे।